बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हगार टीवी की जानिब से तमाम सभी देखने और सुनने वालों को, मेरा नाम अजान अहमद है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हगार टीवी। शाहिद खान अफरीदी इन दिनों में इमरान खान के खिलाफ जो बयान दे रहे हैं वो आप सब जानते हैं, आप सब ने देखा होगा। जो हालिया दिनों में समा न्यूज़ चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने जो बातें की हैं, और आज एक और मैंने उनकी एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें ये बता रहे हैं कि इमरान खान जो कि दूसरों के खिलाफ करप्शन में जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, क्या उनका घर साफ है? तो आज तक जितने भी सोशल मीडिया या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया या अभी जो मौजूदा हुकूमत आई है वो इतना ज़ोर लगा रही है कि इमरान खान की कोई एक रुपए की जो है ना करप्शन निकाल सकें, लेकिन वो निकाल नहीं सकें। और वो किस को बातें बता रहे हैं इमरान खान को, जो करप्शन के खिलाफ जो है ना जहाद किया हुआ है पाकिस्तान को बचाने के लिए, अपनी इज़्ज़त तक उसने गंवा दी उस शख्स ने, पाकिस्तान के लिए क्या कुछ कुर्बानियां दी हैं 25 साल जो सियासत के लिए उसने जो लड़ाई की है, वो आज जाकर पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा हीरो बन चुका है वो शाहिद अफरीदी, जो कि ज़ीरो पर आउट होने वाला, हर बार मायूसी फैलाने वाला, वो आज हमें बता रहा है, पाकिस्तान की कौम को बता रहा है कि इमरान खान खुद अपना घर साफ नहीं है। दूसरों के ऊपर आप उंगलियां उठा रहे हो, दूसरों के ऊपर आप कचरा उठा रहे हो। पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में या क्या पूरी दुनिया में सब जानते हैं कि ये जो आज जो मौजूदा हुकूमत है या 35 साल पहले जो हुकूमतें बनी थी इनकी आपस में, पीपल पार्टी है या फिर PMLN थी, इन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को नोच नोच के खाया है, पाकिस्तान की बिल्कुल ही इज्जत नहीं थी। इमरान खान की हुकूमत गई है, अभी जो उमरा करने वाले जो ज़ायरीन आए हुए थे रमज़ान के अंदर, उसके बाद आप सब ने देखा है कि जद्दा एयरपोर्ट पर कितना रश लगा हुआ था, पाकिस्तान की टक्के की भी कदर नहीं, पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं थी। इमरान खान जाने के बाद जब इक्तदार में था इमरान खान तो पाकिस्तान की इज्जत थी, तो वो शाहिद अफरीदी आज हमें बता रहा है जो ज़ीरो पर आउट होने वाला इमरान खान के करीब या इमरान खान के ऊपर चढ़ने के लिए। और ये शहबाज शरीफ को सपोर्ट क्यों करता है ये आप तस्वीर देख रहे होंगे, 2017 में इसको 50 लाख रुपए डोनेशन दिए थे शहबाज शरीफ ने, तो इस वजह से शहबाज शरीफ की बड़ी तारीफें करता है हर इंटरव्यू में, शहबाज शरीफ के लिए जो बातें करता है वो आप सब देख रहे हैं। तो मेरा इस शाहिद अफरीदी के लिए एक छोटा सा मैसेज है, तो मैं कोई उसकी किरदार के ऊपर या उसके ऊपर नहीं उंगली उठा रहा हूँ, लेकिन इतना मैं ये कह सकता हूँ शाहिद खान अफरीदी, इमरान खान एक सच्चा लीडर है, पाकिस्तान का मोहब्बत रखने वाला लीडर है। इस वक्त पूरी पाकिस्तान की कौम उनके साथ खड़ी हुई है, आप चाहे जो मर्ज़ी कर लें, आपको अगर वो मौजूदा हुकूमत अगर आपको लालच देती है कि आपको चेयरमैन PCB का बोर्ड का चेयरमैन बनाएंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन आप जो पॉपुलैरिटी है, जो आपकी इज्जत है वो अब ख़त्म हो गई है, अवाम अब जाग चुकी है, अवाम को सब पता है कि पाकिस्तान के चोर कौन है और पाकिस्तान के मुहाफिज, पाकिस्तान के लिए अच्छी सोच रखने वाले कौन हैं।